हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी जो प्रीवियस ऐप है, जो हमने रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनाया था, उसमें हमने एक अलर्ट डायलॉग जो था वो हमने बनाया था, और हमने डिपेंडेंसी विप थी हमने वो ऐड की थी। सो अब हम इसको आगे मजीद जो है वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह होना है। आज की डेट में हम हमारा डाटा जो है वो सेव करेंगे और उसको गेट करके देखेंगे। और अगर इसके बाद आप लोग चाहते हैं कि ये डाटा हम क्लाउड पे भी अपना स्टोर करें, तो वो चीज़ के लिए फिर मैं अलग से एक सीरीज बना दूंगा, या फिर इसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। वो आपके कॉमिट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं वो चीज़ जो है अप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज ये आज का लेक्चर इसका लास्ट होने वाला है। इसके बाद इस पे रैंडम पासवर्ड जनरेटर पे कोई भी और लेक्चर नहीं आएगा। ओके, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ हमारे कोड को और देख लेते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम। ये हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी हाइव बॉक्स, ठीक है? तो इसके बारे में भी मैं साथ में ओपन कर देता हूँ आप लोगों को। जी, तो ये हाइव बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी सिंपल है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेस्कटॉप ब्राउजर के लिए यूज़ होती है। सिंपल एपीआई, सिंपल है, पावरफुल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है इसके अंदर, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी अच्छी लगती है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, इसको अब हमने यूज़ किस तरह करना है? यूज़ करने के लिए यहाँ पे है वार बॉक्स, हाइव बॉक्स डॉट, यहाँ पे अपने, यहाँ पे हमने अपना जो है बॉक्स जो है वो बनाना है, और बॉक्स डॉट पुट उसके अंदर ये हमारे पास की आ जाएगी और उसके अगेंस्ट ये वैल्यू आ जाएगी। जब हमने गेट करना है तो वो नेम आ जाएगा, नेम इज इक्वल टू बॉक्स डॉट गेट, उसके अंदर वो हम जो हमारी की पास करेंगे, और की पास करने के बाद हमारे पास वो हमारा डाटा आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा हाइव बॉक्स का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने सेट करना है और देखना है कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई जी। यहाँ पे जो है हम स्टार्ट के अंदर वार बॉक्स है, ये अवेट है, अवेट हमने लगाना है, और ओपन बॉक्स करना है जिसका नाम होगा माई बॉक्स, ठीक। और माई बॉक्स के बाद हम इसको सारे को परफॉर्म करेंगे। अगर मैं सिंपली यहाँ पे ओपन माई बॉक्स करता हूँ तो वो हमारे लिए इशू करेगा। ओके, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिप है, और यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिसका नाम होगा डेटाबेस। डेटाबेस आ गई। अब इसके अंदर मैं हमारे पास क्लास लूंगा, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ओके, एक तो ये आ जाएगी डेटाबेस, और यहाँ पे जो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम इसके हाई डॉक्यूमेंटेशन इसकी आ गई है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी है, फ्लटर हाई वर्जन है। अच्छा जी, अवेट हाइव इनिट फ्लटर इनिशियलाइज इफ वैलिड डायरेक्टरी ऑफ योर एफ फाइल यू कैन प्रोवाइड सब डायरेक्टरी। अगर आप कोई अपनी मर्जी से डायरेक्टरी फाइल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप ये यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लटर के एप्स फॉर नॉन फ्लटर एप्स, यानी कि फ्लटर के ऐप से हट के भी इसको यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। ओके जी, यहाँ पे ये वर्ड मेन है, ए सिंक है, हाइव इंट सम पाथ हेयर ऑफ ब्राउजर। ओके, इसके बारे में वीडियो ट्यूटोरियल है, व्हाट आर बॉक्सेस रीड एंड राइट हाइव इन फ्लटर। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बारे में ये सारा है, ठीक है। वेन के अंदर हमने ये वाला चीज जो है, ये जो चीजें हैं, ये दो चीजें को हमने कॉपी करना और पेस्ट करना है। हमने यहाँ पे सिंपल, मैं यहाँ पे ये वाला काम करूँगा, और जहाँ पे ओपन बॉक्स है वो हम करेंगे ओपन बॉक्स सेटिंग। यानी कि ये मैंने पहले ही बताया था, हाई बॉक्स के अंदर जो हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा हमारे पास बॉक्सेस की फॉर्म में होता है। सो दिस इज वाइड मेन रन ऐप, तो इसको अब हम इस तरह नहीं रखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये अब हमारे ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, और यहाँ से ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपल। मैं
विंडो वी का बटन दबाता हूँ और यहाँ पे ये हमें दो चीज़ें सेटिंग आ जाएगी। अब एसिंक है तो ओके, और यहाँ पे मैं हाई को इनिट फ्लटर इज डिफाइंड जस्ट अ सेकेंड, वेर इज द इशू, इशूज देखते हैं कि ओके फ्लटर हाइव ये दो चीज़ें जो हैं ये हमने इम्पोर्ट करनी है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है ओके, हाई फ्लटर डॉट ये वाली डिपेंडेंसी हमने अभी ऐड करनी है तो इसको भी हम देख लेते हैं। हाई हाई यूनिट फ्लटर बिफोर यू कैन ओपन यू नीड टू द स्टोर डाटा एंड्रॉयड आईओएस हैज अ स्ट्रिक्ट रूल डायरेक्टरी यू कैन यूज पाथ प्रोवाइडर पैगी टू गेट वैलिड डायरेक्टरी। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ प्रोवाइडर के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं या इसको देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। ओके यहाँ पे उन्होंने क्या तरीकेकार बताया हुआ इसको यूज करने का, वार इंपोर्ट पैकेज हाइव फ्लटर डॉट के हाइव तो ये हो गया। ये क्विक स्टार्ट की है डॉक्यूमेंटेशन डिपेंडेंसी हाई हाई फ्लटर हमें ये भी चाहिए। लेमी गूगल इट इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। ये 8 मंथ पहले की आई हुई है, चलें देखते हैं इसको हमने किस तरह परफॉर्म करना है। ये मैंने ऑलरेडी वैसे यूज किया हुआ है, अच्छी चीज है मेरे पर्सनली ओपिनियन में। गेट करेंगे ओके, लेट मी चेक जरा, अगर हम इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ ठीक है। ओपन बॉक्स सेटिंग्स, सेटिंग्स की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, वो बोल रहा है कि आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके तो इसके लिए अब हमारे पास दो तरीके ठीक है। हाई फ्लटर जो है यहाँ पे हम रीडमी में आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसको देखते हैं कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके टर्मिनेट में एक दफा कर देता हूँ ताकि इसके हमारे पास हर चीज विजिबल हो।
के साथ में जब तक वो होता है तब तक मैं हमारे पास ठीक है जी, ये टेस्ट वगैरह ओपन हो गया जो में कॉल बॉक्स ठीक है, वहाँ पे हम अपन जहाँ पे भी ओपन बॉक्स करेंगे हाइव डॉट ओपन बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हो जाए इंस्टॉल इतनी देर। SRC एंड्रॉयड 2.0 के पाथ प्रोवाइडर प्लगइन डॉट जावा यूज एंड कांच ऑन सेफ ऑपरेशन। ओके, तो वही जो हमारा सेम इशू आ रहा है, तो इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं। पाथ प्रोवाइडर हमें एक चाहिए होगा, इसको आप हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इन चीजों को यूज करते हुए हम अपना डाटा गेट कर सकते हैं। एक दफा ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई, देखते हैं। ओके, तो इसने जो है हमारा बॉक्स भी ओपन कर दिया है, ठीक है। तो सेव ऑपरेशन, अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर आते हैं, देखते हैं हमें कोई एरर तो नहीं मिलता। ओके, मैं यहाँ पे नहीं, हमारा ये बॉक्स ओपन करता, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। फंक्शन एंड डेटाबेस, यहाँ पे मैं दिखता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ डेटाबेस क्रिएटर। ओके, ये गलती कर दी। ये होगा हमारा एसिंक टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये आ जाएगा, ठीक है, हाई इम्पोर्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डेटाबेस का जो और डेटाबेस क्रिएटर, ठीक है, सिंपल। और इसको मैं कर देता हूँ ट्राई, ठीक है। जहाँ पे भी अब हमारे पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब हम मेन के अंदर हम देखते हैं बनाते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास डेटाबेस का वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी डेटाबेस हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब हम अपना एक मेथड बनाते हैं वाइट इंसर्ट डेटा, जो इंसर्ट डेटा होगा या सेव पासवर्ड, ठीक है। ये काम करते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, अब जस्ट अ सेकंड, ये तो हमारे पास हो गया। तो ये हमारा बॉक्स क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, वो बोर इनिशियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉक्स डॉट
इस तरह कर सकते हैं इसको। पास की हो जाएगी सेम और इसके अगेंस्ट कुछ वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने इसको देखना है, वेर इज हाई डॉक्यूमेंटेशन स्विच बॉक्स डॉट गेट डार्क मोड। ओके, यहाँ पे ठीक, हाँ वेरिएंस जहाँ पे ये होगा वार बॉक्स अवेट ओपन बॉक्स माय बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा वार पर्सन नेम एज, ये हमारे पास की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, वार बॉक्स डॉट माय बॉक्स हाइव डॉट बॉक्स। ओके ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरह इसको यूज कर सकते हैं अवेट की बजाय। ठीक है, ये वाले बॉक्सेस तो हैं वो जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा वहां पे ये इसको कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है वार सेम एडिट जिस तरह करना है हाइव डॉट बॉक्स इसका मैं एक दफा नई वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होगा ये वाले बॉक्स को आप हमने क्या करना है जिसको हमने ओपन किया था उसको हम गेट करेंगे, ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। और यहां पे मैं करूंगा इसका नाम है वैल्यूज की बजाय पासवर्ड बॉक्स। ठीक है, इसका नाम पासवर्ड बॉक्स तो ये डेटाबेस रख देते हैं, डेटाबेस से ज़्यादा मेरे लिए ऑथेंटिक होगा, डीबी कर देते हैं, डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस, डीबी डॉट पुट। पुट का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर से डाटा ऐड करना है। ठीक है, पुट यहाँ पे अगेंस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, की आ जाएगी, हम की पास कर देंगे और उसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे वैल्यूज पास कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे ये हमारे पास वार हाई बॉक्स है, वैसे एनीवेज ये वाली चीज को मैं कट करके और डेटाबेस क्रिएटर और ये भी एक दफा मैं रिमूव करके देखता हूँ, टेस्ट का हम परफॉर्म करते हैं। हमें यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत होपफुली तो नहीं होनी चाहिए लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास ये बन गए और इसको इशू तो नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली रीस्टार्ट करते हैं फिर पता चलेगा हमें। ओके, एक दफा ये कंप्लीट हो जाए तो देन फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, तो साथ में मैं हमारे पास यहां पे आ जाता हूँ, कॉमन फंक्शन नहीं कॉमन विजिट, यहाँ पे हमारे पास जो था अलर्ट डायलॉग और यहाँ पे हम टेक्स्ट बटन और यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले रहे थे तो हमें एक कंट्रोलर चाहिए।
टैक्स फॉर्म फील्ड, ओके दिस इज, हाँ यहाँ पे हम पे सबसे पहले मैं एक जूम इन कर देता हूँ। कीबोर्ड टाइप, अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है इनपुट टेक्स्ट टाइप, यहाँ पे अपने कीबोर्ड को हम स्पेसिफाई करेंगे, ये नेम लेगा, यूआरएल लेगा, नंबर लेगा, ईमेल एड्रेस लेगा, मल्टी लाइंस लेगा, नॉन स्ट्रीट एड्रेस, टेक्स्ट, ये क्या लेगा, टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, टेक्स्ट एक्सेप्ट किया इसने, ओके। और यहाँ पे अब हमें चाहिए कंट्रोलर, और कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक हो गया। तो वो जहाँ पे भी हम, वो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी, सेव हो जाएगी, या जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे की है और टेक्स्ट है, की योर की नेम, सेट योर की नेम, ठीक है। अब वहाँ पे वो इन टेक्स्ट है, जहाँ वहाँ पे वो जो वैल्यूज देगा वो है, और यहाँ पे ये है, ओके। डेटाबेस के अंदर अब हमने क्या बनाया था, सेव पासवर्ड का फंक्शन बनाया था, वेर इज, अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को कॉल करूँगा क्योंकि मुझे डेटाबेस का फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है सिंपल। मैं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, अलर्ट डायलॉग एक दफ़ा, जस्ट कॉपी, जस्ट अ सेकेंड, और परफॉर्मेंस कॉपी, और यहाँ पे सेकेंड लीजिए, ठीक है। वेयर इज सेव, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्रैश डम्प, फेल टू अटैच थ्रेड, परमिशन डिनाइड, इसको परमिशन कौन सी डिनाई हो गई, गेट टेक्स्ट बिफोर क्रोजर, इनएक्टिव इनपुट डिनाइड, अच्छा द फ्रेमवर्क द इनपुट मेथड, ओके लेट मी चेक, ठीक है, ओके वेयर इज सेव, सेव सेव, ओके दिस इज आवर एलिवेटेड बटन दैट इज कॉल्ड सेव, और ऑन प्रेस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटाबेस, यहाँ पे डॉट करूंगा तो, और सेव पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रिंग की इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ओके ये हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं भेज दूंगा की डॉट टू लोअर केस, क्या करो उसको सारे को जितना भी है वो डाटा वो लोड कर दो, ओके। और यहाँ पे इसके पास हमारे पास एक तो ये आ रहा था, और सेकंड क्या आ रहा है, पासवर्ड, और ये सेमी कॉलन, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये हमें कोई एरर नहीं मिलता तो इसके बाद हम नीचे स्कैफर्ड जो है वो हम शो करवाएंगे, ओके कोई बात नहीं, हम एक दफ़ा रैंडमली कर लेते हैं, जनरेट, जनरेट हो गया, पासवर्ड कॉपीड, सेव, एंड मैं सेव करता हूँ, फेसबुक, एंड देन क्लिक ऑन सेव, अच्छा जी, हमें कोई एंड बैच, ठीक है, गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट,
ओके सेव, और इसके बाद वही जो हमारे पास ये वाला कैंसिल के अंदर बटन था, नेविगेटर डॉट पॉप, नेविगेटर डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्ट्स डॉट पॉप। अब ये क्या होगा, हमारे पास डाटा जितना भी है वो वहाँ पे इसने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आया क्या, हमारा डाटा सेव हुआ भी है या नहीं हुआ। ओके, ये क्या इशू आ रहा है, परमिशन डिनाई आ रही है किसी चीज़ की, आई डोंट नो, मेरे एमुलेटर के अंदर ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ डिवाइस में हम इसको टेस्ट एक दफ़ा कर लेंगे और उसकी वीडियो मैं साथ में अटैच कर दूंगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, सबसे पहले एक तो ये काम हो गया। अब इसके बाद हमारे पास रैंडम पासवर्ड जनरेटर है यहाँ पे, वेयर इज आवर होम स्क्रीन। ओके, एक तो वो हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि वो, लेट सपोज हम आगे से हम पूछेंगे स्कैफोल्ड एबा एबा कंटेनर टाइटल, और यहाँ पे अब हम डालेंगे एक्शन। एक्शन के अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, टेक्स्ट बटन, लिस्ट ऑफ विजिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गेट और इसको मैं सेट कर दूंगा कॉस्ट। ठीक है, तो लेट मी हॉट रीलोड इट। होम स्क्रीन में ये इशू है, क्यों नहीं शो हो रहा। ओके, पॉप में आइकन इनटू आइकन स्टार्ट, डॉट गेट ऐप, या इस तरह का कुछ भी, हम एक दफा मैं गेट ऐप लगा के देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। हाँ, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बटन क्यों नहीं शो हो रहा था, आई डोंट नो। ये देखिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर रहा है, फेल टू थ्रेड, परमिशन को इसको चाहिए होती है वो इसको दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पे हमें कोई ना, ओके, पॉप अप मेन्यू बटन,
और इसको चाहिए होता है आइटम बिल्डर। हाँ जस्ट अ सेकंड। पॉप अप मेन्यू आइटम, पॉप मेन्यू सेलेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एग्जांपल्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरह दिस इज पॉप मेन्यू बटन ऑन सेलेक्ट आइटम बिल्डर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पॉप मेन्यू एंट्री। इस ये पॉप मेन्यू आइटम इसकी कोई एग्जांपल 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 शो मेन्यू। ओके यहाँ पे ये मीडियम के अंदर है। ओके तो ये थोड़ी सी खराब है। पॉप मेन्यू और इसके अंदर सेंटर है टेक्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट। ओके क्लिक है आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट और रिटर्न लिस्ट डॉट जनरेट इंडेक्स 5। उस तरह ही हम सिंपली हम करेंगे ऑन कैंसिल ऑन सेलेक्ट, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज इशू, इशू क्या आ रहा है? पॉप मेन्यू इतना भी नहीं मैंने क्रिटिकल बना के रखा हुआ था जितना ये है। ओके पॉप मेन्यू है, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट है पॉप मेन्यू सेंटर रिटर्न लिस्ट, लिस्ट के अंदर वो इंडेक्स पास कर रहा है जनरेट कर रहा है लिस्ट रिटर्न पॉप मेन्यू आइटम और चाइल्ड। और ठीक है पॉप मेन्यू बटन इनिशियल वैल्यू 2 इसको करते हैं रिटर्न। द पॉप मेन्यू आइटम डायनामिक इज नॉट नॉट अ लिस्ट पॉप मेन्यू एंटर। तो ये आ जाएगा गेट पासवर्ड, आप अगर पासवर्ड गेट करना चाहते हो। ठीक है तो लेकिन इसको मैं इस तरह नहीं करूँगा, ये टेक्स्ट खाली लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ओके लेट मी चेक, एक सेकेंड यहाँ पे एक ये है आइटम बिल्डर इनिशियल वैल्यू डायनामिक, यहाँ पे हमारे पास इनेबल है, आइकन साइज है, आइकन भी हम इसका चेंज चेंज कर सकते हैं ऑफसेट ऑन कैंसल ऑन सेलेक्ट। हाँ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम पास करेंगे वैल्यू
वैल्यू, अब देखते हैं क्या होता है। एक दफा दोबारा हो गया। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन आज की डेट में मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लोकल डेटाबेस का, और इसके बाद हम आगे फर्दर मूव हो जाएंगे हमारे उसकी तरफ, क्लाउड स्टोरेज की तरफ। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाओ। ओके, इसको वाया हम इनिशियल वैल्यू भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन छोड़ें, हम इनिशियल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ते। इसको सिंपल यहाँ पे ना, या तो गेस्चर डिटेक्टर लगा लेता है, या फिर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट बटन, इसके क्लिक पे कुछ फंक्शन परफॉर्म कर देना, और यहाँ पे मैं इसके चाहिए जो एरर दे रहा है जी। ओके, कॉस्ट के वो नहीं हो सकता, ठीक है, ये कॉस्ट उड़ गया। और ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट गेट पासवर्ड, और इसको मैं सेट कर देता हूँ कॉस्ट। लेट मी हॉट रीलोड इट। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है जी, गेट पासवर्ड। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डेटाबेस के अंदर फंक्शन लगाते हैं, वॉइड गेट पासवर्ड, और यहाँ पे इसको चाहिए होगी स्ट्रिंग की, चाहिए होगी बस। रिटर्न डीबी डॉट गेट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा की। ओके, तो हमारा ये काम हो जाएगा। यहाँ पर पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, मैंने फेसबुक सेव किया था, तो हार्ड कोड ही एक दफ़ा मैं दे रहा हूँ, लेकिन जब वो गेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो हम दोबारा इसके एक नई स्क्रीन पे नेविगेट कर देंगे, या हम इस तरह करेंगे, जब भी इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है पासवर्ड के अंदर वो कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे कि ये पासवर्ड रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट के लिए वो ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, लेट मी हार्ड रीलोड इट।
जो हमारा पासवर्ड है वो देखें, वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले में हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मैंने हार्ड कोडेड दिया था। अब हम इस चीज़ को, अब हम आगे सेट करते हैं, इस चीज़ को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ एक दफ़ा, ये चीज़ हमारी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो गेट पासवर्ड पे क्लिक करे, सबसे पहले तो हो जाए वो हमारे पास नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स डॉट पॉप। ये क्या करेगा, हमारे ये जो इसको ओपन हुआ वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि RRD इसका कुछ डिपेंडेंसी की वजह से रियल लाइफ डिवाइस में और एमुलेटर में थोड़ा सा चेंजेस होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई, हम इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। मैं ज़रा गेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, हाँ वो पुराना वाला कोड ही चल रहा है अभी, इसलिए इसको क्लोज नहीं कर रहे, इसको मैं एक दफ़ा टाइप वाला बटन दबाता हूँ तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, वेयर इज होम, से होम स्क्रीन, होम 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 ऐप, ठीक है ओके। और यहाँ पे ठीक है, वेयर इज टाइटल, टाइटल के अंदर क्या करेंगे, अब हम विजिट सेट कर देंगे, टेक्स्ट भी हमारे पास एक विजिट है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, विजिट एबार सेट। बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ सेमी कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे से मैं ये क्या करता हूँ, वेर इज दिस वन, इसको मैं एबर सेटर को कॉल करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा वो वाला फंक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे पासवर्ड वाला, तो मैं क्या करूँगा, एक बार सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉल करूँगा सेट स्टेट, अभी यहाँ पे कॉल करूँगा एक बार सेटर इस इक्वल टू, अब वो जो हमारे वेर इज कॉमन फंक्शन, अलर्ट डायलॉग और टेक्स फॉर्म फील्ड, इसको मैं कोड को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और होम स्क्रीन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सिंपल और कुछ भी नहीं करूँगा मैं, ओके। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नहीं है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ कंट्रोलर, ओके। एक तो ये चीज़ होगी, कंट्रोलर आ जाएगा, कंट्रोलर से हमें क्या मिल जाएगी, लेबल आ जाएगा कि सेट यू आर की बजाय एंटर यू आर की गेट पासवर्ड, ओके। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और यहाँ पे मैं ये सेमी कॉलन लगा दूंगा, ओके। और इसके बाद क्या करूँगा, दिस वन और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज को मैं कट करूँगा, इसके बाद हो रही है यहाँ पे, ये करूँगा और यहाँ पे पास कर दूंगा कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट टू लोअर केस, ठीक है। जो भी वो एंटर करेगा वो सारे को लोअर केस में एंटर कर दो, एक दफा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक, ताकि वो तंग ना करे बार बार।
ओके, तो स्ट्रिंग्स की जो वैल्यू होगी और वो पर मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर वो जो मेरे पास वैल्यू वो आ गई। वो आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ओके, इसके बाद जब हमने ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर लिया और अब इसके अंदर हम एक और चीज करेंगे, वो करने के बाद तो वो क्लोज हो जाएगा ना, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग। और यहाँ पे मैं हिंट प्रीफिक्स प्रीफिक्स आइकन, और यहाँ पे मैं आइकन बटन लगाऊंगा, इसको कहीं पे कांस्टेंट तो नहीं हमने सेट किया। आइकन्स डॉट सर्च, ओके, और इसको मैं कॉन्स्ट सेट कर दूंगा सिंपल। ओके, एक दफा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम देखते हैं। Null is a not subtype of string. किस का पे US 51, ओके, ओके ओके ओके, क्योंकि वो एम्प्टी है तो मैं एम्प्टी में कैसे भेज सकता हूँ। ओके, ये फंक्शन अभी नहीं परफॉर्म करना था, ये हम इसको कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद वेर इज दिस वन, यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इससे पहले सबसे पहले आप हम चेक करेंगे इफ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो स्कैफर्ड मैसेंजर और फिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, स्नैक बार किधर है हमारी, स्नैक बार स्नैक बार स्नैक बार, दिस इज आवर स्नाइपर, इसको भी आप सेपरेट रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर F2 प्रेस करते हैं, ठीक है, शो स्नाइपर, और ये हमने स्नाइपर, और यहाँ पे सेम कॉलन, यहाँ पे मैं इसको प्लस करता हूँ और यहाँ पे मैं हिट एंटर करता हूँ, इसको मैं कॉन्ट सेट करता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट ओके,
स्नैक बार ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन भी और दो। पासवर्ड कॉपीड की बजाय हम लिखेंगे प्लीज एंटर फर्स्ट सम वैल्यू। इसकी जगह हम वो एक फॉर्म के अंदर इसको रैप करना पड़ना था, फॉर्म के अंदर रैप करने के बाद इसकी हम वैलिडेशन लगा सकते थे, वो भी हम लगा सकते हैं। या मैं सिंपली बल्कि ना ये इसकी बजाय ना मैं वैलिडेशन लगाता हूँ इसकी, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। वैलिडेटर, लेकिन वो वैलिडेटर इसके लिए फिर हमें इसकी की वगैरह सेट करनी पड़ेगी, फार्म के अंदर इसको रैप करना पड़ेगा, फार्म के अंदर रैप करने के बाद इसकी की वगैरह सेट करनी पड़ेगी और उसके बाद ये वैलिडेट होगा। तो ये जो हम कर रहे हैं वही हमारे लिए बेटर है एक दफा। वो फॉर्म हम कहीं और पे हम जब करेंगे तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमने इसको किस तरह वैलिडेट करना है। ओके, सबसे पहले मैं इसको हॉट रीलोड, ये जरा बैक हो रहा, ठीक है, गेट पासवर्ड, बल्कि ना कंप्लीट एक दफा हॉट रीलोड करते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। तो वो मैंने गेट पासवर्ड पे किया तो ये यहाँ पे आ गया, बटन आ गया और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, यार एक तो ये इशू बड़ा कर रहा है, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फेसबुक। ओके, तो जैसे ही मैं फेसबुक पे सर्च करूँगा तो वो यहाँ पे सर्च का आइकन किधर गया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे प्रीफिक्स के बजाय मैं लगा देता हूँ खाली प्रीफिक्स सेट करते हैं। अब हॉट रीलोड करते हैं, प्रीफिक्स के बजाय प्रीफिक्स आइकन और एक और भी आइकन था, लेट मी सर्च, सुफिक्स आइकन, हम सुफिक्स पे सेट करते हैं इसको। हॉट रीलोड ताकि आप लोग को ज़्यादा विजिबल हो। ओके, जब वो एक्टिव होता है उसका कलर भी ब्लू हो जाता है। मैं एक मिनट स्टेटस बार का मैं कलर करता हूँ एबर, डिवाइस का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, जैसे काम कंप्लीट के नज़दीक होते थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो उसके सर्च पे हम क्या करेंगे, सर्च पे वो क्लिक करेगा तो नीचे हम एक स्नैक बार शो करवा देंगे, स्नैक बार को शो करवाने के बाद अब उसके ऊपर ही एक कॉपी का बटन लिख देंगे कि आप उसको कॉपी कर सकते हो। ये रनिंग हो रहा है,
इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई। हो जाए यार इतनी देर। टेकिंग टू माय टाइम। ओके यहाँ पे आ गए ये गेट पासवर्ड। वही मैं बोल रहा था वो गायब हो जाता है, वो असल में ब्लू हो जाता है, ब्लू होने की वजह से वो गायब हो जाता है। तो ये ऊपर वाला अभी यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ फेसबुक, और यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा, क्लिक करूँगा तो कोई भी कोई ना फंक्शन परफॉर्म होगा। वो फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ पे ये है डेटाबेस आइकन सर्च। ओके लेट मी थिंक चेक, अगर मैं इसको इस तरह करके प्लीज़ एंटर सम वैल्यू फर्स्ट, ठीक है वो वही बोल रहा है कि आप पहले कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पहले एंटर करें, ठीक है। इफ और एल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, वो वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा था ना इसलिए अब ट्रिगर नहीं होगा। ओके तो अब हमारे पास एक क्या चीज़ आ गई, ये आ गई, और ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमारे पास ओके और स्नैक बार का हमारे पास कोड था, ओके ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। ओके और कंटेंट आ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास शेप विड्थ एक्शन एक्शन, और सेम वही आइकन। ओके क्या एरर दे रहा है, द आइकन बटन कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप स्नैक बार एक्शन। इसके अंदर क्या जाता है जी, स्नैक बार एक्शन। यहाँ में मैं लिख देता हूँ सेव, और वही हमारे पास जो सिंपली हमने कोड लिखा था पासवर्ड को कॉपी करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द कोड, वेयर इज द कोड, मुझे कोड बस थोड़ा सा सर्च कर लेना, ये रैंडम पासवर्ड बॉर्डर नहीं। ठीक है क्लिपबोर्ड सेट क्लिपबोर्ड।
डॉट डेटा, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँगा, वैल्यूज जो होगी हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, के बाद हमारा सिंपली वही काम हम दोबारा करेंगे। Where is snack bar tree to save a dot then चीज परफॉर्म कर दी। ठीक है, इसको मैं एक दफा क्लोज करता हूँ और ट्री लोड करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे की पास करेंगे, फेसबुक, और मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा, ये आ जाएगा, और इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड इज कॉपीड, कॉपी आ जाएगा। अब हम जहाँ पे हमें नीड होगी वहाँ पे हमारे पास ये पेस्ट हो जाएगा, सिंपल, और ओके डन। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, ये जो ऑटो पासवर्ड वाली है, तो ये हमने देख ली। आज के में रही ये लेक्चर कंप्लीट, और इसके अंदर हमने अपना कंप्लीट ये अपना कोड जो है कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए होगा तो मैं इसको अपलोड करके इस लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ड्रॉप कर दूंगा। होपफुली आपको ये वाला रैंडम पासवर्ड जनरेट करना और सेव करने का तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने किस तरह ये डेटाबेस बनाई, डेटाबेस बनाने के बाद हमने इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन बनाए, और इसको हमने किस तरह मेन के अंदर ये हमने इसको यहाँ पे सेट किया, और अपना बॉक्सेस जो है वो हमने अपने ओपन किए, और उन बॉक्सेस के अगेंस्ट जो है वो हमने काम किए। एक चीज़ याद रखिए कि ये वाली चीज़ जो है ना, आपने ये सेम रखनी जब आपने हाइव बॉक्स के अंदर वो बॉक्स को आपने गेट करना है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का, अपना ख्याल रखिएगा।